हार से टीम इंडिया हुई शर्मसार। इंग्लैंड ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई, टीम इंडिया की दुनिया हिलाई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड के बैस बॉल ने किया कमाल और टीम इंडिया को कर दिया बेहाल। इस मैच में इंग्लैंड ने भारत के मुंह से जीत छीन ली और 28 रन से यह हैदराबाद टेस्ट अपने नाम कर लिया। इस मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को हराते हुए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच भी नहीं, बल्कि आधा दर्जन रिकॉर्ड अपने नाम किए। तो आइए उन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, इंग्लैंड ने रिवर्स स्वीप से भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ हैदराबाद में 72 रन बनाए। ये 2015 के बाद किसी भी टीम द्वारा स्पिनर्स के खिलाफ टेस्ट में रिवर्स स्वीप का उपयोग करते हुए सबसे ज्यादा रन है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पिछले 12 सालों में एशिया में इंग्लैंड ने जितनी भी टेस्ट सीरीज खेली है वो उसका पहला मैच नहीं हारी है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने ही जीता। 2012 में आखिरी बार इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच हारी थी और वो मैच भारत ने ही इंग्लैंड को हराया था। इस मैच में अश्विन और जडेजा के खिलाफ एक टेस्ट में 413 रन बने। हैदराबाद टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने कुल मिलाकर 413 रन खर्चे। दोनों खिलाड़ियों द्वारा साथ में खेले गए 50 टेस्ट में से ये दूसरा मौका है जब इतने रन इन दोनों द्वारा दिए गए हों। इससे पहले 2017 में श्रीलंका के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने कुल मिलाकर 437 रन दिए थे। ओली पोप ने हैदराबाद टेस्ट में भारत के खिलाफ दूसरी पारी में 196 रन बनाए। ये इंग्लैंड की तरफ से भारत में टेस्ट की दूसरी पारी में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज एलेस्टर कुक के नाम था, जिन्होंने 2012 में अहमदाबाद में 176 रन बनाए थे। चौथी इनिंग्स में 7 विकेट हाउ लेने वाले टेस्ट डेब्यू पर हार्टले सातवें गेंदबाज यानी टॉम हार्टले चौथी इनिंग्स में 7 विकेट हाउ लेने वाले टेस्ट डेब्यू पर सातवें गेंदबाज बने हैं। टेस्ट डेब्यू पर इंग्लैंड के लिए सेकंड बेस्ट फिगर। तो टॉम हार्टले ने दूसरी पारी में 62 रन देकर 7 विकेट लिए। ये इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू पर सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर है। इससे पहले 1933 में जेम्स ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 56 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए थे। टॉम हार्टले इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू पर 7 विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज बने। जी हाँ, इंग्लैंड के टॉम हार्टले ने दूसरी इनिंग्स में भारत के खिलाफ 7 विकेट लिए। वो इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट डेब्यू पर 7 विकेट हॉल लेने वाले छठे गेंदबाज बन गए हैं। भारत में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट जीतना, तो इंग्लैंड भारत के खिलाफ भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाली टीम अब बन चुकी है। इंग्लैंड ने इंडिया में 15 टेस्ट मैच जीत ली है, वहीं वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने भारत में भारत के खिलाफ 14 टेस्ट जीते हैं। तो ये थी वो रिकॉर्ड्स की झड़ी जो इंग्लैंड ने भारत को एक टेस्ट मैच हराने के बाद ही लगा दी। अभी भी 4 टेस्ट मैच बाकी हैं, बदला बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय शेर बाकी बचे 4 मैचों में इंग्लैंड को करेंगे ढेर? और पहले टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया को अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।